जाति व्यवस्था और छुआछूत प्रथा के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करने वाले महान समाज सुधारक ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की कहानी अब जल्द ही रुपहले पर्दे पर देखने मिलेगी। समाज के वंचित तबकों में शिक्षा की अलख जगाने वाले पति पत्नी की इस जोड़ी पर हिंदी फीचर फिल्म फुले के लेखन और निर्देशन की कमान राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक अनंत महादेवन ने अपने हाथों में ली है। 11 अप्रैल को महात्मा फुले की जयंती के मौके पर इस फिल्म का ऐलान किया गया। हंसल मेहता निर्देशित स्कैम 1992 से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके प्रतीक गांधी इस फिल्म में ज्योतिराव फुले की भूमिका निभाते नजर आएंगे, जबकि सावित्रीबाई फुले का किरदार सिटी लाइट्स फिल्म से राजकुमार राव के साथ बॉलीवुड में एंटर करने वाली पत्र लेखा निभाएंगी। अनंत महादेवन की फिल्म फुले का फर्स्ट लुक महात्मा फुले की 195वीं जयंती के मौके पर 11 अप्रैल को लॉन्च किया गया। फिल्म का फर्स्ट लुक जारी होते ही लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है। फिल्म के पोस्टर में प्रतीक और पत्रलेखा हूबहू महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की ही तरह दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिबा फुले के किरदार को निभाने को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे प्रतीक गांधी ने कहा, महात्मा फुले का किरदार निभाना और दुनिया के सामने उनके व्यक्तित्व को पेश करना मेरे लिए गौरव की बात है। यह पहला मौका है जब मैं किसी बायोग्राफी में एक अहम किरदार निभा रहा हूँ। प्रतीक गांधी ने कहा, मुझे याद है कि फिल्म की कहानी सुनने के बाद मैंने तुरंत इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी थी। कुछ किरदारों पर किसी का नाम लिखा होता है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मुझे इस फिल्म में काम करने का ऑफर मिला। प्रतीक ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि फिल्म के निर्माताओं ने महात्मा ज्योतिराव और सावित्री फुले द्वारा सामाजिक बदलाव के लिए समर्पित किए गए जीवन के बारे में आज की पीढ़ी को अवगत कराने का बीड़ा उठाया है। वही इस फिल्म में सावित्रीबाई फुले के किरदार को लेकर अभिनेत्री पत्रलेखा ने एक दैनिक हिंदी अखबार को बताया कि मेरी परवरिश मेघालय के शिलोंग में हुई है। वह एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं के हकों और फैसलों को पुरुषों से ज्यादा अहमियत दी जाती है। ऐसे में महिला पुरुष में समानता का विषय मेरे दिल के बेहद करीब है। लंबे वक्त से फिल्मी दुनिया में अपने काम से पहचाने जाने वाले फुले के निर्देशक अनंत महादेवन ने कई फिल्में बनाई हैं, जिनमें से एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कहानी गौर हरी दास्ता, डॉक्टर रखपना बाई और बच्चों के लिए किए गए अपने कार्यों से अलग पहचान बनाने वाली सिंधुताई सपकाल की बायोपिक भी शामिल है। अब महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की बायोपिक को लेकर भी निर्देशक अनंत महादेवन से सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।